तो भाई मैं हूँ नितिन सारस्वत। आज का ये वीडियो भाई ब्रेजा हिडन फीचर्स के पार्ट टू पे, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हिडन फीचर मैं बताने वाला हूँ वो की से रिलेटेड है। अगर की के दोनों बटन भाई दबा के रखो ना ऐसे, और फिर अनलॉक करो, देखना आवाज़ नहीं करी, और बंद करूँगा तो लॉक की आवाज़ आएगी। तो दूसरा हिडन फीचर जो है ना भाई इसका, वो ये है, अंदर से ही बता देता हूँ चलो आपको। चलो भाई ये है दूसरा हिडन फीचर कि जब अपनी गाड़ी के दोनों फिजिकल की में जो भाई बटन है दोनों को दबा के रखोगे, देखो मारने लगी भाई, ठीक है सायरन मारने लग जाएगी। मार के दिखा देता हूँ एक बार बाहर से, चलो देखना। अबे ये देखो मारने लग जाएगी, देखना भी सायरन, देखना भी भाई सायरन मारने लग जाएगी। अगर आपको अपनी गाड़ी कहीं ढूंढनी है पार्किंग में तो ये कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया भाई दूसरा हिडन फीचर। अब जो तीसरा हिडन फीचर है ना भाई वो अंदर चल के ही बताता हूँ, देखना देखना जरा, है ना। अरे यार जो तीसरा हिडन फीचर है ना भाई वो ये है कि अगर आप अपने शॉक सेंसर्स ऑन कर देते हो तो उसके बाद में भाई कैसी आवाज़ जो है गाड़ी में आएगी। चलो पहले सबसे पहले शॉक सेंसर और उसके फंक्शन ही बता देता हूँ, ठीक है। भाई थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई, ठीक है चलो स्टार्ट कर देता हूँ। शॉक सेंसर ऑन कैसे करने हैं भाई अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंफर्म कर लूँगा एक चीज़, H2SL1 से इनेबल, ठीक है। तो भाई शॉक सेंसर इनेबल करके दिखाता हूँ। इन इस ये जो नॉब है ना इसको इग्निशन स्विच बोलते हैं, इसको दबा के रखो सबसे पहले। तो ये भाई डोर का ऑप्शन खुल गया। दूसरा जो ऑप्शन आएगा ये है लाइट का, ये है भाई सिक्योरिटी, ये है डिफ़ॉल्ट, ये है एंड। सिक्योरिटी में जाना है, H2 पे जाना है और H2SL1 पे क्लिक कर देना है, ये हो गया सक्सेस। अब भाई क्या करो, गाड़ी को बंद कर दो। कर दिया, देख लो भाई गाड़ी को बंद करने के बाद मेरे को ऑन करके देखो, ऑन कर दिया या ऑफ ही रहने दो भाई, ऑफ रहने दिए, देख लो भाई पूरी गाड़ी ऑफ है। अब देखना मैं टच करूँगा ना कहीं पे भी, देखना सायरन मारेगी, शायद अभी ऑन नहीं हुआ है, रुक जाओ एक सेकंड ऑन करके दिखा देता हूँ। अब होगा ऑन, देखो भाई देखो मारने लग गई भाई सायरन, देख रहे हो तेज मार रहा था। तो भाई यही है शॉक सेंसर्स, कोई अगर टच करके देखो अभी मारेगी, छेड़खानी कोई करता है देखना, अभी नहीं बोल रही भाई, नहीं बोल रही, ऐसी बोलेगी भाई। शॉक सेंसर्स का मतलब ही यही होता है कि गाड़ी को कोई छिए तो भाई गाड़ी जो है बजने लग जाए। चलो भाई बाहर से बज के बजवा के दिखाता हूँ एक बार, ये देखना ये भाई मेरी गाड़ी, चाबी ली क्या, चाबी गई इस गाड़ी के अंदर ही है। अब देखना देखना मार बजने की, भाई बजी नहीं रही, देखो बजने लग गई, ये है शॉक सेंसर्स, ठीक है। अब देखो चार बार ब्लिंक करी, इसका मतलब गाड़ी ने किसी ने गाड़ी के साथ छेड़खानी करी है। अब देखना भाई इधर ज़रा नज़र बना के रखना, अब जब शॉक सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं ना इसके सारे सेंसर, तो जब मैं गाड़ी को ओपन करूँगा देखना अभी, ये देखो कैसी गाड़ी साउंड करने, पी पी करके ये साउंड करने लग गई। इसका मतलब क्या है कि जो है गाड़ी ने बता दिया है मैं कि गाड़ी के साथ किसी ने भाई छेड़छानी करी है, ठीक है। अब भाई इसका चौथा जो हिडन फीचर है ना वो ये है कि अगर भाई सबसे पहले बोनट ही ओपन कर देता हूँ एक सेकेंड, ठीक है दिखाता हूँ। अगर भाई गाड़ी को अगर आप बंद करोगे, देखो बोनट ओपन, अगर आपसे बोनट खुला रह जाए बाई चांस, देखो बोनट खुला है। अब देखना अगर मैं इसको लॉक करता हूँ ना, और जब अनलॉक करता हूँ चार बार भी मारेगी भाई, अभी नहीं मार रही वो, इसका तकनीकी खराबी है। जब वीडियो बनाओ बता दिया मैंने आपको ये, चलो भाई एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको कैसे था वो। अगर आप देखो गेट खुला छोड़ दिया इतना और लॉक करो,
ऐसी आवाज़ मारेगी भाई टी करके, टी लॉक नहीं होगी मतलब, ठीक है। और अब एक और फंक्शन है भाई, अगर आप अपने गाड़ी को इग्निशन खुला छोड़ के देख रहे हो, इग्निशन खुला छोड़ दिया मैंने और लॉक करने की कोशिश करते हो, करके दिखाता हूँ भाई, लॉक ही नहीं होगी गाड़ी, देखो लॉक ही नहीं हो रही भाई गाड़ी, क्योंकि भाई इसको पता चल गया कि गाड़ी का इग्निशन खुला है तो लॉक नहीं होगी और ये सायरन मान लेगी इमोबिलाइजर का, देख रहे हो। तो ये है भाई इसके कुछ भाई हिडन फीचर, ठीक है। और अब भाई एक क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बंदों के दिमाग में होगा कि अगर ये जो फिजिकल की है इसे मैं, ये जो इसकी फिजिकल की है इसे निकाल के, ये वाली फिजिकल की निकाल के चाबी से, एक सेकंड भाई, ये वाली जो स्मार्ट की है इसे भाई रख देते हैं यहाँ पे, और ये जो फिजिकल की है ना इससे गाड़ी को लॉक करते हैं एक बार। चलो भाई करके दिखाता हूँ, करते हो लॉक तो भाई मेन क्वेश्चन होता है कि लॉक हो जाएगी, भाई लॉक तो हो जाएगी देखना। लॉक भी हो गई भाई, अनलॉक भी हो गई, लेकिन मेन क्वेश्चन वही है कि क्या अगर फिजिक स्मार्ट की रहेगी तो गाड़ी कोई भी चालू कर सकता है भाई? नहीं, ये कोई भी अगर शीशा फोड़ के अगर अंदर घुसने की कोशिश करे ना गाड़ी में, गाड़ी भाई सायरन मारने लग जाएगी। तो इसकी चिंता मत लेना कि स्मार्ट की अंदर है या फिर कुछ भी, और गाड़ी को पता भी चल जाएगा, सारे फंक्शन बता देगी। तो वीडियो देखने के लिए, अच्छा भाई एक और ऑप्शन जो मैंने बताना भूल गया भाई, लॉक करी गाड़ी में डिक्की खुलेगी नहीं, मेरी डिक्की में मैग्नेट वाले हैं, नॉर्मल डिक्की नहीं है वो, और अनलॉक कर दोगे ना तो चाहे कैसी भी गाड़ी खड़ी हो, चाहे आइडल हो, चाहे कुछ भी हो, गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।